तो फ्रेंड्स, मैं वितेश फ्रॉम वैकेंट टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई जियोनी का P5 मिनी मॉडल हो और उसका आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया हो, तो उसके फ्लैश फाइल को आप कैसे और कहां से डाउनलोड करेंगे। तो अपने जियोनी के P5 मिनी सेट को फ्लैश करने के लिए आपको फ्लैश फाइल और स्टॉक रोम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको लिखना है www.firmwarefile.com। आपको इस प्लस लिखेंगे तो देखिए आपकी इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी फर्मवेयर फाइल की। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ऊपर आपका सर्च इंजन बार है, यहाँ पर आपको लिखना है, टाइप करना है, यहाँ पे आपको लिखना है जियोनी जियोनी P5 मिनी। आप जैसे ही जियोनी P5 मिनी लिखते हैं, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एरो दिख रहा है, वहाँ पे आपको सर्च बार पे सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए आपका इंटरनेट मेरा चल रहा है और यहाँ पर एक आपको लिंक यहाँ दिख जाएगा, जियोनी P5 मिनी। जैसे अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जियोनी P5 मिनी पर क्लिक करते हैं, देखिए उसका एक वेब पेज और खुलेगा। यहाँ पे आप उसको स्क्रॉल करेंगे जब नीचे ऐसे, तो देखिए यहाँ पर आपको फाइल दिख रही है, जियोनी P5 मिनी T5352.zip। ये जिप फाइल है, 2 GB की फाइल है और इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो जिप फाइल होगी, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करिए, देखिए यहाँ पर आपको उसको कैसे फ्लैश करना है, वो फ्लैश का भी तरीका यहाँ पर देगा। जैसे आप उसको फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसको फ्लैश करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट द जियोनी P5 मिनी स्टॉक फर्मवेयर पैकेज ऑन योर कंप्यूटर। सेकेंड स्टेप टू, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द पैकेज यू विल बी एबल टू गेट द फर्मवेयर फाइल, फ्लैश टूल, ड्राइवर एंड हाउ टू फ्लैश गाइड। तीसरा ऑप्शन जो आपको आ रहा है, स्टेप इंस्टॉल द प्रोवाइडेड USB ड्राइवर। आपको फ़ोन का USB ड्राइवर जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, योर कंप्यूटर। एंड इफ़ इन केस USB ड्राइवर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, स्किप दिस स्टेप। अगर आपके फ़ोन का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है कंप्यूटर में तो फिर आपको इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद फॉलो टू हाउ टू फ्लैश मैनुअल टू फ्लैश द फर्मवेयर ऑन योर जियोनी P5 मिनी डिवाइस। तो फॉलो डिटेल के लिए देखिए यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है, आप इस पर भी क्लिक करके गाइडलाइन ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे ये सिस्टम आपको बताएगा वैसे वैसे आपको अपना जियोनी का P5 मिनी का फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद उसको फ्लैश करना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल वितेश फर्मवेयर टेक एंड सॉल्यूशन को देखते रहिए। मैं आपके किसी भी मॉडल का, जो भी मॉडल है, एक एक मॉडल का मैं फ्लैश फाइल डाउनलोड करना बताऊँगा और उसको कैसे फ्लैश करना है, यहाँ पर उसका गाइडलाइन दिया हुआ है, उसको देख कर आप फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे मेरा मैसेज करिए, मुझसे अपना एक्सपीरियंस लीजिए, मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस और आपको बताऊंगा कि आप अपने जियोनी P5 मिनी को कैसे फ्लैश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल अवितेश फर्मवेयर को देखने के, लाइक करने के और शेयर करने के लिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सब्सक्राइबर वीडियो देख के सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, वहाँ पर इसको क्लिक करिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, उसको बेल को ऑन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल अवितेश फर्मवेयर का इस तरह का आपको लोगो दिखेगा, अवितेश फर्मवेयर टेक सॉल्यूशन। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल अवितेश फर्मवेयर टेक सॉल्यूशन देखने के लिए।